So this is the address space for MSP430F5529, right? Address space can also be called as memory organization. So आपका question किसी भी form में आए, that is address space discuss of MSP430 or the memory organization of MSP430. So it's one and the same thing. So आप यहाँ पर काफी सारे blocks देख पा रहे हैं. So MSP430 में जैसे हमने देखा था, वी हैव फ्लैश रोम ऑल्सो, वी हैव रैम ऑल्सो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज सम अदर मेमोरी ऑल्सो प्रेजेंट, जो कि बहुत ही छोटी है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट इट हैज सर्टन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. सो लेट अस डिस्कस ऑल दोज एलिमेंट्स कि क्या क्या वो मेमोरी एलिमेंट्स हैं और वो क्या एक्चुअली स्टोर करते हैं. सो लेट स्टार्ट विद दिस इंटरप्ट वेक्टर मेमोरी हियर. So you can see here, this is the interrupt vector memory. It is actually of 128 bytes. ठीक है, इसका साइज होता है 128 bytes. So obviously, what is the interrupt memory used for? It will be used for storing address of all the interrupt service routine vectors. Meaning आपके जितने भी ISRs प्रेजेंट हैं इस MSP430 में, सबके एड्रेसेस, जैसे आप लोगों को याद होगा 8051 में हम लोगों ने INT0 एंड INT1 के एड्रेसेस देखे थे, सेम वे में MSP430 में देयर आर मेनी इंटरप्ट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरप्ट्स. तो सबके एड्रेस लोकेशंस, एक बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर टेबल होती है. सो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ टेबल जिसमें एवरी ISR के एड्रेस गिवन होता है. सो दैट टेबल इज बेसिकली स्टोर्ड इन दिस मेमोरी. सो ऑल द ISR स्टार्टिंग एड्रेस लोकेशन विल बी गिवन इन दिस मेमोरी एंड इट इज अ 128 बाइट्स. ऑब्वियसली ये यूजर टचेबल नहीं होती बिकॉज यू कैन नॉट रिप्लेस और यू कैन नॉट रिमूव द एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेसेस ऑफ द ISR, राइट. देन वी हैव द कोड मेमोरी. ये हमारी मेन कोड मेमोरी है जो कि हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में फ्लैश के फॉर्म में देखा था. सो दैट इज आर 128 किलोबाइट्स दिस कोड मेमोरी. सो ऑब्वियसली कोड मेमोरी में क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम अपना माइक्रो कंट्रोलर में डाल रहे हैं, एंड ऑप्शनली इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग सम परमानेंट डेटा ऑल्सो. अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है देन यू कैन यूज दिस मेमोरी टू स्टोर some permanent data as well. All right. So then we have something called as RAM. ये भी हम लोगों ने देखा था that MSP430 had 8 KB of RAM. वैसे हमने 8 KB plus 2 KB देखा था, but we'll get to that 2 KB after a while. So there is 8 KB of RAM available. That is random access memory. So everyone knows RAM is for storing variables and temporary data. जो भी आपके processing में या program execution में whatever variables are there or whatever temporary data has to be stored, that will be stored in the RAM. So if you remember from the block diagram, हम लोगों ने RAM में देखा था 8 KB plus 2 KB. So 2 KB is this portion. That is your USB RAM. ये आपके 2 KB का है, तो 8 KB plus 2 KB RAM आपकी ये total 10 KB हो जाती है. But normal जो storage के लिए use होती है RAM for temporary storage and variable storage, that is this 8 KB RAM only. So as the name indicates, USB RAM, it basically is not used for storing anything, but it will contain USB protocols and it will store all the information or processing information or temporary information related to the USB activities when it is communicating with the PC. So ye wala exclusively USB activities ke liye ye wala storage hai, right. Then we have something called as information memory. So this is only 512 bytes, so very small. So information memory, as your name indicates, it is just a separate chunk of memory that is used for storing
नॉन वोलेटाइल डेटा, यानी परमानेंट डेटा अगर आपका कोई है तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं अप टू 512 बाइट्स ओनली, राइट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बूट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस इज बूट लोडर मेमोरी, इट्स नॉट लैडर, सो आई विल राइट इट हियर आल्सो। सो बूट लोडर मेमोरी इज ऑफ 2 KB। सो व्हाट डज बूट लोडर मेमोरी स्टैंड फॉर? बूट लोडर मेमोरी क्या होती है? तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि माइक्रो कंट्रोलर में भी व्हेनेवर यू आर टर्निंग इट ऑन, इट हैज टू बी बूटेड अप। बूटेड अप मीनिंग इट नीड्स टू नो दैट इट हैज अ प्रोग्राम इन इट एंड इट नीड्स टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोग्राम फ्रॉम लोकेशन 00H ऑनवर्ड्स, या जो भी लोकेशन प्रोवाइडेड है। सो ऑल दैट बूटिंग अप, ऑल दोज instructions, all that firmware for booting up is provided in the bootloader memory. तो इसमें standard protocol रहता है that is there for a particular microcontroller and you ideally should not change this. You may change it, you may update it, maybe company ने एक नया कुछ booting protocol develop किया है and it wants you to update. Yes, you can update it, but you should not touch this memory or replace or update this memory by yourself unless you know what you are doing. Because if you damage this memory या इसमें आप कुछ और write कर देते हो other than its booting algorithm, then your microcontroller may not boot at all. It is not damaged, working condition में रहेगा, मतलब उसमें power जा रही है, but software program wise it will not be able to do anything because आपने इसका boot ही खराब कर दिया, boot memory खराब कर दिया। So this is of 2 KB and it is only used for storing all your booting algorithm, जो भी booting firmware है, that's it. Then we have a peripheral memory, so that is of 4 KB. So again, as this name indicates, peripheral memory क्या होगा? This is used for storing all your peripheral registers and special function registers. जितने भी आपके SFRs हमने देखे हैं, different types of registers and your peripheral registers, जितने भी इसमें peripherals हैं, and as you saw in the block diagram, we have many many peripherals, and as you all know by now, every peripheral has to be configured using its register, and there will be many registers for a particular peripheral. So all those registers, सबका storage इस peripheral memory में होता है. So we have these chunks, ये आपकी total address space है MSP430F5529 में, starting with your interrupt code, that is program memory, RAM, USB RAM, ये 8 KB plus 2 KB है, information memory, bootloader memory and peripherals. So in this topic you have to remember obviously the name of these memories, जितने भी आपके different इसमें divisions हैं. This is optional. अगर आप चाहो तो आप इसको learn कर सकते हो. That is the address range. But I have still given it here for your information. The address range of a particular type of memory in the entire address space of MSP430. And yes, you should remember this कि कितने bytes की है, कितना उसका actually size है. So this is important and the name and its function. तो फंक्शन आपका दो दो लाइंस में एक्सप्लेन हो सकता है, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हियर. आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपली देख के ही आप बता पा रहे हो कि व्हाट इज दैट मेमोरी, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर मेमोरी बीइंग यूज्ड फॉर.